सावन के पवित्र महीने में अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र पौत्र, मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को इन सरल से कार्य को जरूर से करना चाहिए। हम सभी जानते हैं सावन में इस बार तो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। सावन 2 महीने का हो रहा है और 8 सावन के सोमवार इस जो है साल 2023 में किए जाएंगे। साथ ही इस बार तो ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो पूरे 19 वर्षों बाद हुए हैं। तो कुछ सरल कार्य आपके जीवन में बहुत सारा आपको सुख प्रदान करेंगे। हमेशा हर एक पूजा पाठ में महिलाओं को प्रथम स्थान क्यों दिया जाता है? महिलाओं से अधिकतर कहा जाता है कि वह ये कार्य करे, वह विशेष आराधना करें। उसके पीछे कारण भी छुपा हुआ है, क्योंकि कोई भी महिला कोई भी कार्य करती है, पुरुष जन धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं और घर पर लाकर महिला को देते हैं। महिला उस धन का सदुपयोग करती है और परिवार बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी महिला कोई कार्य करती है तो अपने लिए नहीं करती, बल्कि इसका पूरा सुख पूरा जो है परिवार प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं पुरुष जन जो है समय के अभाव के कारण विशेष सेवा आराधना, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितरों को रिझाने मनाने, हमारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय की कमी के कारण, अन्य दायित्वों का निर्वाह करने के कारण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में महिला करती है ना, तो लाख गुना फल प्रत्येक परिवार के सदस्य को प्राप्त हो जाता है। तो इस सावन के पवित्र महीने में कुछ सरल से कार्य आप सभी को जरूर से करने चाहिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया जरूर से करें। हम सभी जानते हैं प्रथम कार्य आता है प्रातःकाल उठना और ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंदिर चले जाना। नहीं जा सकते शिव मंदिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर पर आप सभी को सबसे पहले, अन्य दिनों आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ कारण रहता होगा जो कारण जो है आपको रोकता होगा। देखिए सभी की दिनचर्या अलग होती है, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो प्रातःकाल आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर जाकर या घर के मंदिर में जरूर से पूरे सावन के महीने में यह आदत बना लीजिए कि आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। परिवार के अन्य सदस्य नहीं कर पाते कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर लेंगे पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है, शिव मंदिर में जाना है। संभव हो तो बेलपत्री, आंक धतूरा और अन्य चीज़ें जो अधिक संभव हो करने का प्रयास करें। नहीं कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक, सामान्य सरल तरीके से मात्र जल का लोटा भी शिव मंदिर में या घर के मंदिर में आप बड़े प्रेम पूर्वक से एक दीपक लगाकर समर्पित कर देंगे और परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे तो महादेव आपके घर पर आकर सुनेंगे और तत्काल आपकी कामना सिद्ध करेंगे। सबसे पहला सरल कार्य मैंने आपको बताया। दूसरा कार्य है हरी चूड़ियों का चयन। हरी चूड़ियाँ जो है बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, पति पत्नी के भाग्य को चमकाने में इन्हें सहायक माना जाता है। इस सावन के पवित्र महीने में हरे रंग के वस्त्र, हरी रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी इत्यादि सभी महिलाओं को धारण करनी चाहिए। कहा जाता है इससे सभी ग्रह दशा मजबूत होती है, पति का भाग्य चमकता है। महिला घर की मुख्य केंद्र बिंदु होती है, अगर वह कोई भी जो है पूजा विधान या कोई चीज़ प्रसन्न मुद्रा में होती है तो खुद ही घर पर माँ लक्ष्मी का वासा, महादेव और माँ पार्वती आते हैं और घर में सदा सर्वदा वास करते हैं। अन्य दिनों आप जो है पूर्ण रूप से हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ी इत्यादि का चयन नहीं कर पाते, परंतु सावन के पवित्र महीने में आप सभी को सबसे पहले यह कार्य जरूर से करना है। 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, उससे पहले घर लेकर आ जाइए और हरी चूड़ियां धारण करें और हाथों में आपको मेहंदी लगा लेनी है। इस महीने हरे रंग की वस्तुओं से गहरा संबंध होता है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो आप सभी को घर लाकर हरे रंग की चूड़ियां भी और साथ ही मेहंदी और चांदी की पायल और चांदी की बिछिया भी जरूर से धारण कर लेनी है। माता पार्वती के रज से उत्पन्न मानी जाती है चांदी, तो ऐसे में चांदी जो व्यक्ति पहन लेता है, हाथ में अंगूठी के रूप में धारण कर लेता है, उसके घर पर जब छप छन छन की आवाज़ आती है, मन प्रसन्न रहता है, तो तब देवी देवता आकर स्वयं वास करने लग जाते हैं। साथ ही चांदी पहनने से मन जो है विपरीत होता है, कभी कभी उदास होता है, चंचल रहता है, कोई रोग दोष होते हैं तो चांदी धारण करने से शरीर के कई रोग दोष भी कट जाते हैं। तो ऐसे में आजकल महिलाएं इन चीज़ों को भूल गई हैं, न तो पायल पहनती हैं, न बिछिया पहनती हैं, न चांदी की अंगूठी धारण करती हैं। तो प्रत्येक पूजा पाठ का यह नियम होना चाहिए कि हाथ में पुराने समय में हाथ में जो है
पूजा के टाइम कुशा की अंगूठी, एक कुशा के एक जो है अंगूठी के आकार का कोई ऐसी वस्तु पहनी जाती थी, जिसके बाद जो है पैतृक और दैवी कार्य होते थे, परंतु उसकी स्थान अब अंगूठी ने ले लिया है। तो पूजा पाठ में छोटा सा नियम बना लीजिए कि एक अंगूठी अपने हाथ में होनी चाहिए, पैरों में चांदी के पायल बिछिया जब तक आप पहनते हैं तब तक आपके शरीर में स्वस्थता बनी रहती है, पति बच्चों का भाग्य भी इससे चमकता है। अन्य महीनों में आप नहीं कर पाते, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो जरूर से पहन लीजिए। आप सभी को बहुत सुसज्जित होकर महादेव की पूजा करनी चाहिए। खासतौर पर सुहागिन महिला को बाल पूर्ण रूप से बांधने चाहिए, सिंदूर परिपूर्ण रूप से भरकर महादेव की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। मंगल सूत्र आवश्यक रूप से अभी तक आपने धारण नहीं किया है, जैसे कि कई आजकल महिलाएं हैं दिखावे के चक्कर में या अन्य शारीरिक परेशानियों के चक्कर में मंगल सूत्र धारण नहीं करती, परंतु महादेव की पूजा कर रहे हैं ना, तो आपको सुहागिन महादेव ने बना रखा है, तो आप सभी को सुहाग का पूरा सामान जो है पहन कर ही शिव पूजा करनी चाहिए जितना संभव हो। कुंवारी कन्याओं को भी एक एक हरी चूड़ियां अपने हाथ में धारण करनी चाहिए, और साथ ही मनचाहा प्रेम पाने के लिए मेहंदी जरूर से लगानी चाहिए शिव पार्वती के नाम की, और आवश्यक रूप से मस्तक पर सिंदूर नहीं, मस्तक पर तिलक इत्यादि लगाकर पूजा करनी चाहिए। बालों को बांध कर शिव पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष जनों को भी अपनी शिखा को बांध कर शिव पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो दूसरा कार्य आप सभी को यह करना है। तीसरा कार्य, आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ न कुछ हरे रंग की वस्तुओं का दान करना है। पूरे सावन के पवित्र महीने में आप सभी को माता पार्वती को सुंदर चुनरी, सुहाग की सामग्री कुंवारी कन्याओं को, या जो है उनके मनचाहे प्रेम के लिए, अगर आप सुहाग की सामग्री जो है सुहागिन महिला को दान करते हैं, माँ पार्वती को दान करते हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं वह मनचाहा प्रेम पाने की इच्छा से माँ पार्वती का हरे रंग की वस्तुओं से श्रृंगार करती हैं, तो भी जीवन में धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को घर पर पूर्ण रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए। समय समय पर गंगा जल और नमक का पोछा लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर के रोग दोष कट जाते हैं। तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने में घर की खूब सुंदर साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है सावन के पवित्र महीने में महादेव माँ पार्वती धरती पर विचरण करते हैं और जीवन धन धान्य से भर देते हैं। साथ ही आप सभी को सावन के पवित्र महीने में यह भी नियम बना लेना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर जरूर से जल का छिड़काव करना है। इससे भी सभी पितृ तृप्त होते हैं, रोग दोष काटते हैं, घर पर किसी का किया कराया किसी भी तरह से असर नहीं करता। तो सावन के पवित्र महीने में तो कम से कम महिलाओं को इन सरल से कार्यों का नियम बना लेना चाहिए। साथ ही गौ माता की रोटी अन्य दिनों आप नहीं निकाल पाते, परंतु गौवंश जिसमें से ऋषभ अर्थात बैल भी आ जाता है, या गौ माता जिसे भी आप खिलाना चाहें जरूर से खिलाएं, निश्चित ही बहुत सारा सुख प्रदान होगा और वास्तु दोष आपके कटते चले जाएंगे। तो यह सरल से कार्य आप सभी को इस सावन के पवित्र महीने में करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में अन्य चीज़ें कुछ नहीं कर पाते तो शिव मंदिर जाकर रोज एक दीपक लगाने का नियम जरूर से बना लीजिए। किस्मत चमक जाएगी और जीवन में निश्चित ही बदलाव आपका आना तय है। किसी उपाय इत्यादि की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सावन के पवित्र महीनों में इन सरल से कार्यों को करने का प्रावधान आप बना लेते हैं। साथ ही सावन के पवित्र महीने में यह भी एक नियम अगर आप बना सके ना, कहीं नहीं जा सकते, कहीं विशेष आराधना नहीं कर सकते, घर के मंदिर में ही रोज महादेव के नाम का एक दीपक लगाइए। महादेव का छोटा सा शिवलिंग विराजमान है तो विधि विधान से जैसा आप कर पाएं, जिस विधि से कर पाएं, उस विधि से पूजन करने का प्रयत्न करें। उसके बाद एक लाल आसन या किसी भी कपड़े का, जो भी आपके पास बैठने का स्थान है, बिना आसन के पूजा ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को बैठ जाएं। अगर रुद्राक्ष घर पर है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आप सभी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर लेते हैं तो घर में कभी रोग दोष प्रवेश नहीं करते, सभी दोष मुक्त जो है जीवन होता चला जाता है। तो इस सरल से कार्य को भी सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर लीजिए, देखिएगा जीवन कैसे चमक उठता है आपका। साथ ही सावन के पवित्र में संतान की सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को जरूर से साथ में मिलकर एक बेलपत्री का वृक्ष, जहां पर पानी का स्थान है, या मंदिर प्रांगण या पार्क में या घर के पीछे साइड जरूर से लगाना चाहिए। जैसे जैसे बेलपत्री वृक्ष बढ़ता है, फलता फूलता है, उसमें आने वाली यह पत्तियां महादेव के ऊपर अन्य व्यक्ति समर्पित करते हैं, वैसे वैसे आपके संतान में आपके रोग कर्ज जो है मुक्त होता है जीवन, और संतान में बहुत अधिक जो है संतान फलती फूलती है, और उनके द्वारा की गई शिव पूजा का फल
आपको प्रदान होता है। तो इस तरह से आप सभी के सावन के पवित्र महीने में इन सरलतम कार्यों को करने का नियम बांध लेना चाहिए। आपके रोजगार में वृद्धि होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कर्ज इत्यादि मिटता चला जाएगा और जीवन में सभी ग्रह दशाएं आपके मजबूत होंगी और जो भी आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, शिव तत्व आपके अंदर विराजमान होगा। धीरे धीरे रोज शिव चालीसा, शिव से संबंधित कथा, शिव से संबंधित मंत्र, शिव चालीसा, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण पढ़ना, हिंदी में आप जानते हैं, हिंदी में समझते हैं तो उस तरह से पढ़ने का प्रयास करें। शिव तत्व आपके अंदर विराजमान होगा सावन के पवित्र महीने में। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, सभी मानव जन के अंदर ओमकार के रूप में महादेव का अंश विराजमान है। किसी गरीब जन की मदद थोड़ा थोड़ा मात्रा में रोज करते हैं तो महादेव आपके लिए सब व्यवस्था करेगा, आपके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य करेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी इन सरल से कार्यों में से कुछ एक उपाय भी, कुछ एक कार्य भी अगर इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर देते हैं ना, तो महादेव आपकी खुशियां झोली निरंतर भरेगा, जीवन में दुख तकलीफ आएगी नहीं और अंत समय में शिवलोक में आपका स्थान निश्चित ही निर्धारित होगा। तो उपयोगी वीडियो रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।